Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kumar. Happy birthday to you. Okay, okay. Kasih rat. This is for you, Mom. Yay! And this will be for you. Wish you very happy birthday, bhaiya. Thank you. Your attention, please. आज जब जमाना ऐसा आ गया है कि बड़े छोटे का लिहाज नहीं रहा, मान मर्यादाएं नहीं रही, ऐसा वक्त आ गया है जब ना कोई किसी की सुनता है और ना किसी की मानता है, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरा बेटा कुमार, जिसकी आज 22वीं सालगिरह है, इसने हमेशा मेरी बात सुनी है, हमेशा मेरी बात मानी है। थैंक्स सर। और आज तक इस बात पर अमल करते हुए इसने ना कभी चाय पी, ना कभी कोई मोबाइल फोन रखा। लेकिन आज मैं वो सारी रिस्ट्रिक्शंस इस पर से हटा रहा हूं। बेटा, यह मोबाइल फोन तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। Thanks, Dad. Thanks a ton. Thanks a ton. Thank you very much. Ali, motor bike ki chabi meri taraf se gift. Wow. Thanks, Mom. Thanks a lot. One photograph, please. Yeah. Sure, sure, sure. Okay, okay. Wow. A nice brand. And a nice handset. Wow. Kya baat hai. Thanks, Dad. A bike. Wow. Ye hui na kuch baat. डैड ने नंबर तो किसी को दिया ही नहीं। हेलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, कांग्रेचुलेशंस। वेल, थैंक यू, लेकिन माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन बोल रही? हेलो हेलो, बेटा मेरी गिफ्ट कैसे लगी? डैड, पता नहीं किसी का फोन आया था, आपने मेरा नंबर किसी को दिया था? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं दिया। तो पता नहीं कहां से फोन आया था और आधे में कट गया। अरे तो इसमें नंबर आया होगा, फोन कर लो वापस। कमाल है, इसमें तो कोई नंबर नहीं, इट्स ब्लैंक। देखिए, एनीवे जिसका होगा दोबारा फोन कर लेगा। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? रिलैक्स। ठीक है डैड, गुड नाइट। गुड नाइट। मीट मी एट 3:30 वॉरन रोड। पूजा डैड, डैड ये देखिए डैड, एक लड़की का एसएमएस आया था। पूजा, हैव अ लुक, सी। इसमें तो कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं बरकुरदार, अभी तो तुम्हारा नंबर भी सर्कुलेट नहीं हुआ और लड़कियों के एसएमएस। नहीं डैड, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, अभी एक लड़की का एसएमएस आया था, पूजा नाम की। उससे पहले मुझे एक लड़की ने फोन किया था, शी वाज विशिंग मी बर्थडे डैड। स्ट्रेंज यार, स्ट्रेंज। मुझे लगता है तुम्हारे कान बजने लग गए हैं। नहीं डैड, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, था फोन आया था। मैं भी सीरियसली कह रहा हूँ, रात बहुत हो गई है, वो सो जाओ जाके। गुड नाइट। डैड,
हाय कुमार, बिलेटेड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मुझे आपके विशेष की कोई जरूरत नहीं। कम ऑन यार, तुम मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकते थे? सॉरी, मैंने तुम्हें बताया था ना। रिलैक्स, पर तुम इतना क्यूटली सॉरी बोलती हो ना कि अगर गुस्सा करना चाहो ना तो भी इंसान गुस्सा नहीं कर सकता। थैंक यू। अच्छा ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? भाई इस टाइट ड्रेस और टाइट से धुले कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही है। चौक गए ना? Absolutely. अब बैठेंगे आप? Okay. This is for you. Thank you very much. So sweet. मोबाइल तुम्हारे पास? हाँ हाँ, मेरी बर्थडे प्रेजेंट समझो, डैड ने दी। Meet me at 330 Warden Road. Pooja. क्या हुआ? Strange यार, मुझे एक लड़की का कल SMS आया। अभी उसी लड़की का SMS आया। I mean, पूजा नाम की कोई लड़की और मैं उसे जानता तक नहीं। देखो। पता नहीं कौन है। I don't know. ये दूसरी बार उसका SMS आया। इसमें तो कुछ भी नहीं है। क्या बात कर रही? अरे नहीं यार सीरियसली, इसमें मैसेज था। कुमार तुम स्टोरीज बनाने में बहुत एक्सपर्ट हो गए हो। नहीं बबली, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, उसमें मैसेज था यार। छोड़ो, मुझे अपना मोबाइल नंबर दोगे? श्योर, व्हाई नॉट। हाँ, 9823 9823 203 203 55 55 and 000। हो गया? ये चाबी कौन सी शो ऑफ कर रहे हो तुम? ओह ये Well, ये मेरे बर्थडे की दूसरी गिफ्ट है फ्रॉम माय मॉम, अ ब्रांड न्यू बाइक। बाइक बाइक हाँ, बाइक बाइक। वांट गो फॉर राइड? या आई वुड लव टू। चलो, पर मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है। काफी है। लेट्स गो। हाँ चलो। यहाँ कहाँ आ गए हम? यहाँ कौन रहता है और तुम्हें यहाँ पर क्या काम है? यहाँ पर पूजा नाम की एक लड़की रहती है, हमें उसी से मिलना। चलो। कुमार। बबली, इसमें डरने की क्या बात है? चलो। एड्रेस तो यहीं का दिया था। मिस पूजा, हेलो। मुझे नहीं लगता यहां कोई रहता है। अग्निहोत्री, ये पूजा कौन है? यही तो पता लगाने आए यहाँ पे। आओ। हेलो,
Somebody home? Miss Pooja? Hello? Kumar? Kumar, यहाँ कोई नहीं रहता। मगर बबली मुझे यहीं का एड्रेस दिया था। नहीं कुमार, यहाँ कोई नहीं रहता। चलो चलो यहाँ से। क्या हुआ क्या? मैं रहती हूँ यहाँ। ये चक्कर क्या है? कोई चक्कर वक्कर नहीं बबली, कोई चक्कर वक्कर नहीं। असल में प्रॉब्लम ये है कि मुझे इस फोन पर एक लड़की का फोन आया था, पूजा नाम की, और एक एसएमएस भी आया था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो नंबर इसमें रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है कुमार? बबली यही तो हुआ है, और उस एसएमएस में जो एड्रेस था वो भी सही था। हम वहां पर होकर भी आए, और वो फ्लैट भी पूजा का ही था। लेकिन अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो जो लड़की हवा में तैरती हुई नजर आई, वो लड़की कौन थी? देखो कुमार, मुझे लगता है कोई तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है, वरना इस तरह से कोई हवा में कैसे लटक सकता है? मुझे लग रहा तुम ठीक कह रही हो। देखो हम एक काम करते हैं, इस मोबाइल की सच्चाई जानने के लिए कल हम मोबाइल गैलरी में जाते हैं। जो एसएमएस और नंबर तुम्हारे मोबाइल में नहीं है वो वहां जरूर होगा। हाँ, आई थिंक तुम ठीक कह रही हो। कल हमें मोबाइल गैलरी से ही पता चलेगा कि आखिर ये माजरा क्या है। Yes, may I help you? Wanted to know, किसने मुझे इस नंबर पे फोन किया? So, उस टेबल पे मैम आपको बता देंगी। Thank you. Excuse me. Please have a seat. Thank you. Yes, what can I do for you? Well, मैं आपकी मोबाइल सर्विस का एक सब्सक्राइबर हूँ। मुझे कल इस फोन पे दो कॉल्स आए थे और दो एसएमएसेस भी। मैं जानना चाहता हूँ किस नंबर से फोन आए थे। जी, लाइए। जस्ट वेट सर, मैं अंदर टेक्नीशियन को दिखा कर आती हूँ। श्योर। I'm sorry sir, आज तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, इसके लिए आपको कल फिर आना पड़ेगा। All right. Thank you. It's my pleasure.
अब क्या करेंगे कुमार? करना क्या है, डैड को कहूंगा ये लीजिए आपकी गिफ्ट, वापस ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। गिफ्ट भी कोई वापस करने की चीज होती है। तो तुम ही बताओ इसका मैं क्या करूं? हेलो। हाँ कुमार। देखो मैं तुम्हें जानता तक नहीं, तो फिर तुम मुझे बार बार फोन करके परेशान क्यों कर रही? और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे किडनैप कर लिया गया है। क्या? हाँ, ये उस किडनैपर का मोबाइल है जो यहाँ गिर गया था, और मैंने बस यूं ही कोई नंबर डायल किया और वो नंबर तुम्हारा निकला। देखो तुमने जो जगह बताई थी मैं उस जगह पर गया था, वहाँ पर कुछ नहीं था, बस एक खिड़की में हवा में तैरती हुई एक लड़की थी। देखो तुमने पहले ही बहुत परेशान कर लिया, अब मेहरबानी करके और परेशान मत करो, प्लीज फोन मत करना। सुनो सुनो प्लीज फोन मत काटना, मैं सचमुच बहुत मुसीबत में हूँ। मैंने जहाँ तुम्हें भेजा था वो मेरा घर था, लेकिन वो किडनैपर जहाँ मुझे ले आया है मैं उसका पता तुम्हें बताना चाहती हूँ। देखो ये एरिया कौन सा है मैं नहीं जानती, लेकिन इस घर के सामने एक ट्रैफिक सिग्नल है और उसकी बाई तरफ मैकडॉनल्ड्स की दुकान है, और जिस घर में मैं कैद हूँ उस घर के गेट के पास एक बटाटा बड़ा वाला बैठता है। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। सुनो कोई आ रहा है, मुझे फोन काटना होगा, प्लीज मेरी मदद करो। हेलो क्या हुआ कुमार? पूजा का फोन था, कह रही थी उसे किसी ने किडनैप कर लिया। क्या? उसने उस जगह की लोकेशन भी बताई और कह रही थी कि अगर तुम मदद करो तो बहुत अच्छा होगा। नहीं कुमार, हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। वैसे ही शहर में इतने सारे फ्रॉड के केसेस चल रहे हैं, इस चक्कर में हमारे फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। पर बबली, अगर कोई तुमसे मदद मांग रहा है तो तुम उसकी मदद नहीं करोगे? अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात अपनी जगह, कम से कम पुलिस में कंप्लेन तो करवा सकते हैं ना। और पुलिस फोन करने वाले का नंबर पूछेगी तब? नहीं है ना नंबर? अच्छा ठीक है, हम गैलरी के बाहर खड़े हैं, गैलरी के अंदर चल के देखते हैं, पूछते हैं उनसे कि फोन किस नंबर से आया था, शायद आया हो। लेट्स ट्राई। ठीक है चलो। अरे पूरा ऑफिस ही खाली, बंद हो गया क्या? इतनी जल्दी? स्ट्रेंज नहीं? एनीवेज अब कल ही आते हैं। मे आई हेल्प यू? Let's go. Kumar, let's go. कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर साहब एक लड़की है जिसे किडनैप कर लिया गया है। क्या कहा? तुम कैसे जानते हो और कहाँ है वो लड़की? इंस्पेक्टर साहब ऐसा है कि उसका फोन आया था मेरे मोबाइल पर। अच्छा तुम्हारे मोबाइल पर, दिखाओ। मगर प्रॉब्लम है सर, इसमें वो कॉल रजिस्टर नहीं होता जिससे उसका फोन आया था। देखो तुम लोग कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? मेरा नाम इंस्पेक्टर कुलकर्णी है। सर मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, मैं पिछले दो दिनों से खुद बहुत परेशान हूँ। इसी फोन पे उसके फोन आते हैं और उसकी बताई हुई लोकेशन के हिसाब से वो एक फिक्स सिग्नल के आसपास कोई जहाँ पे वो ट्रैप्ड है उसके बाहर एक बटाटा वाड़ा वाला बैठता है सर। ये वो जगह है जहाँ पे वो किडनैप करके रखी गई है सर। अच्छा
ठीक है, तुम लोग यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। हवलदार जी साहब, तुम इन दोनों पे नजर रखो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। कितने पैसे हुए? 10 रुपए। जी साहब, जानते हो ये मकान किसका है? नहीं साहब, ये मकान तो बहुत दिनों से खाली पड़ा है। हाँ, कभी कभी यहाँ एक गाड़ी आती है, उस गाड़ी पर काले शीशे चढ़े हुए होते हैं, उसमें आदमी वादमी को दिखाई नहीं देता। गाड़ी आती है, थोड़ी देर खड़ी रहती है, फिर चली जाती है। ठीक है, कोई गलती तो नहीं की? कम ऑन बबली, इसमें डरने वाली बात क्या है? हमने किसी का खून थोड़ी किया। खून तुमने किया है। ये आप क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हाँ, जो जगह तुमने बताई थी मैं वहां पर गया था। तुम कहते हो कि एक लड़की ने तुम्हें फोन करके एक जगह बताई, वो जगह सही है क्योंकि मैं वहां पर होकर आ रहा हूँ, और मेरे छानबीन से पता चला है कि वहां पर किसी को बांध के रखा गया था और सारे फर्श पर खून फैला हुआ है, और तुम कहते हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ये उसी का फोन है, आप चाहें तो बात कर सकते हैं। हेलो इंस्पेक्टर साहब, फोन कुमार को दे दीजिए, क्योंकि आपने जो फोन देखा है वो मेरा ही है, मगर मैं अभी तक जिंदा हूँ। अगर आप इस मामले में पड़ते हैं तो किडनैपर मुझे मार डालेगा। लेकिन तुम ये कैसे जानती हो कि मैं इंस्पेक्टर हूँ? मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैंने आपको उस बिल्डिंग में जाते हुए देखा था। उस वक्त मेरा किडनैपर मुझे जख्मी करके वहाँ से ले जा रहा था। लेकिन ज्यादा सवाल मत कीजिए प्लीज, मेरी जान खतरे में है, फोन कुमार को दीजिए। तुम कुमार को कैसे जानती हो? वो इंस्पेक्टर साहब, मैं कुमार को नहीं जानती, मैंने तो ऐसे ही कोई नंबर ट्राई किया था और वो नंबर कुमार का निकला। लो तुम बात करो।
हेलो पूजा जी, देखिए आप अब मुझे इस तरह फोन क्यों कर रही हैं? मैंने क्या बिगाड़ा क्या है आपका? देखो कुमार, तुम ही मुझे बचा सकते हो, मुझे छुड़ा सकते हो। देखो तुम इंस्पेक्टर को कुछ मत बताना, मेरा किडनैपर मुझे वहाँ से निकालकर एक मैकडॉनल्ड्स के पीछे एक बिल्डिंग के गैरेज में ले जा रहा है। मैं अभी भी उसी गाड़ी में हूँ, मुझे आकर बचा लो प्लीज। तुम इतने यंग हो कि अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम पे कोई शक भी नहीं करेगा, और तुम्हारे साथ वो लड़की भी है, और ये और भी अच्छा है। देखो मैं फोन बंद करती हूँ। क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो, उसने आपको जो जो बताया उसने वो सब बातें मुझे बताई। उसने कहा कि वो मुझे फिर दोबारा फोन करेगी घर पहुंचने के बाद। कुमार तुम क्या मुझे मूर्ख समझते हो? अरे जब तक तुम मुझे सच सच नहीं बता दोगे मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। सर अब मेरी बात तो। इंस्पेक्टर साहब। यस। मैं राकेश पांचाल हूँ और ये मेरा बेटा है कुमार पांचाल, और ये उसकी फ्रेंड है बबली। ये वकील साहब है, ये जमानत के पेपर्स, ये लीजिए। बड़ी अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं। वैसे पहले आप ये बताइए कि आपसे किसने कह दिया कि ये दोनों यहाँ पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं? दरअसल मुझे एक लड़की ने फोन किया था, उसने कहा कि इसलिए मैं वकील साहब को लेकर आ गया। देखिए मामला बड़ा पेचीदा है। आपके बेटे ने यहाँ आकर खबर दी कि इसको एक लड़की ने मोबाइल पर उसके किडनैप होने की खबर दी, लेकिन इसके मोबाइल पर उस लड़की का नंबर नहीं आया। इंस्पेक्टर साहब आपने भी कुछ देर पहले इस फोन पे पूजा से बात की थी ना? हाँ तो आप चाहें तो खुद ही उसका नंबर चेक कर सकते हैं। देखिए। हाँ देखिए मुझे आपके बेटे पर विश्वास है, लेकिन लगता है कि शायद आपके बेटे को फंसाने की कोशिश की जा रही है। खैर आप अपने बेटे को ले जाइए, मैं इस मामले की छानबीन करूंगा। और हाँ कुमार, अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मैं 6463834 पर अवेलेबल हूं, ठीक है? और आपको इसे ले जाने के लिए कोई जमानत की जरूरत नहीं। आपको किसका फोन आया है? पता नहीं किसका है, मैंने काट दिया। तो मोबाइल फोन देकर तो मैंने अपने बेटे को मुसीबत में ही डाल दिया है। कल सुबह उसे दूसरा फोन ला दूंगा। और इसका क्या करेंगे? इसका क्या करना है, इसे म्यूनिसिपैलिटी के किसी कचरे के डब्बे में फेंक कर आता हूँ।
ये गर्म कैसे हो रहा है? अभी तो सिर्फ तुम्हारा हाथ जल रहा है। अगर तुमने इसे दोबारा फेंकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा पूरा शरीर जला दूंगी। पर तुम कौन हो? अब इस फोन को जाकर वहीं रख दो जहां से तुम इसे उठाकर लाए थे। मैं कुछ नहीं समझा पाऊंगा। और एक बात याद रखना, तुम इस मोबाइल को आज के बाद हाथ मत लगाना, समझी? चलो। देखिए ना, मोबाइल फिर से बजने लगा। मैंने तुम्हें कहा ना, इस मोबाइल को हाथ नहीं लगाना। चलो। हाँ बोलो पूजा। देखो, मैंने तुम्हें जिस जगह का पता बताया था वहाँ आना तो 3 और 5 के बीच में आना, उस वक्त वहाँ किडनैपर नहीं होता। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं 3 बजे पहुँच जाऊंगा। क्या हुआ साहब? क्या बताऊं दिलीप, इधर एक रस्सी पड़ी थी और सारे फर्श पर खून ही खून फैला हुआ था। ऐसा लगता तो नहीं कि मेरे जाने के बाद यहाँ कोई आया था। सर मुझे तो इधर कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ लगता तो मुझे भी। तुम ऐसा करो, उस लड़के कुमार के घर के बाहर पहरा दो और जैसे कोई खास बात नजर आए फौरन मुझे इत्तला करो। जी सर। चलो। या बबली। हाय। कम ऑन नाउ, जल्दी बैठो, हमें 3 बजे तक वहाँ पहुँचना ही है। चलें। चलो। Thank you.
ये शटर तो अपने आप खुल रहा है। नहीं, हो सकता है अंदर पूजा आजाद हो गई हो और वो ये शटर खोल रही हो। चलो आओ अंदर। ये शटर कैसे बंद हो गया? शटर अपने आप बंद हुआ है। कमाल है। डरने की कोई बात नहीं, आसपास कोई स्विच बोर्ड होगा, ढूंढते हैं। स्विच मिला? हाँ मिला मिला मिला। ये पूजा कहाँ है? पता नहीं, उसने तो कहा था वो यही होगी। शायद वो गाड़ी में हो, शायद उसे किसी ने बांध के रखा हो। चलो देखते हैं। पूजा, तुम भी पूजा? हाँ, ये पूजा है और मैं भी पूजा हूँ। ये मेरा शरीर है और मैं इसकी आत्मा।